मन ना डिगे तन काहे को डराय चरण कमल चित रहो समा मन ना डिगे तन काहे को डराय चरण कमल चित रहो समा। ये शब्द भगत कबीर साहब दा उचारिया होया। हिंदुस्तान ते सिकंदर लोधी दा राज है। भगत कबीर साहब बनारस विच रहिंदे ने। ए सिकंदर लोधी बादशाह बनारस आया ते कबीर साहब तू जेड़े दुखी सन, दुखी भी इस करके कि कबीर भगत एक नीवी जात दा जुलाया ते लोक इहदी पूजा करदे। ए कुछ मुलाणिआं नूं पंडतां नूं चंगा ना लगा। ए मुलाणी ते पंडित इकट्ठे होके सिकंदर लोधी दे कोल शिकायत करन पहुंचे। शिकायत की कीती, ऐ बादशाह ए जड़ा कबीर है ए हिंदुआं दे ते मुसलमाना दे खिलाफ बोलदा है। मुसलमान पर इन्हें सुन्नत भी नहीं कराई। बादशाह दे कन भरे। सिकंदर लोधी बादशाह ने अपने सिपाही भेजे ने, जाओ कबीर नू फड़ के मेरे कोल ले आओ। ए बादशाह दे सिपाही कबीर साहब के घर पहुंचे। बुआ खड़काया ते कबीर साहब ने बुआ खोलिया। सिपाही कहन लगे, कबीर साहब तुहानू सिकंदर लोधी बादशाह ने याद किया। कबीर साहब कहन लगे, मैनू ते बादशाह दे नाल कोई काम नहीं। कहन लगे, बादशाह नू तुहाडे नाल काम है। कबीर साहब कहन लगे, चलो। पर कबीर साहब दे नाल प्यार करन वाले सारे इकट्ठे हो गए। कहन लगे, कबीर साहब तुसी जान तो इनकार कर दे। जदों भी किसे बादशाह ने किसे संत नूं किसे महापुरश नूं अपने कोल बुलाया, उदों बादशाह ने उन्हूं बड़ा दुख दिता। तुसी इनकार कर दे हो, पता नहीं बादशाह की सजा देवेगा। पर कबीर साहब ब्रह्म ज्ञानी सन, सिपाहियां दे नाल तुर पए ते नाले ए शब्द पढ़ना शुरू कर दिता। मन ना डिगे तन काहे को डराय चरण कमल चित रहो समाय।
मन ना डिगे तन काहे को डराए, चरण कमल चित रहे ओ समाए। फुरमान तेरा सिरे ऊपर, फिर ना करत विचार। कबीर साहब कहन लगे, फुरमान तेरा सिरे ऊपर। फुरमान कहंदे ने हुकम, ऐ परमेश्वर जे ए फुरमान बादशाह दा होंदा ते मैं इनकार कर देंदा। हुण बादशाह दे विच भी तू ही बैठा, ए तेरा फुरमान है ते तेरा हुक्म मेरे सिर मथे दे। फुरमान तेरा सिरे ऊपर, फिर ना करत विचार। तू ही दरिया तू ही करिया, तू ही दरिया ऐ परमेश्वर, तू ही दरिया है, तू ही डोबण वाला, तू ही बचाण वाला, तो फिर मैं चिंता क्यों कर जद सब कुछ तू है। तू ही दरिया तू ही करिया, तुझे ते निस्ता बंदे बंदगी इख्तियार। साहिब रोस तरों के प्यार, कबीर साहब ने के बंदे बंदगी इक तैयार। तेरा कम है बंदगी करनी, भगती करनी, अगू परमेश्वर दी मर्जी है। वो तेनु सुख देवे पावे दुख देवे, तू भगती नहीं छड़नी। बंदे बंदगी इख्तियार, साहिब रोस तरों के प्यार। नाम तेरा आधार मेरा, ज्यों फूल जई है ना, कहे कबीर गुलाम करका, जी आए पामे मां। कबीर साहब सिपाहियां दे नाल तुरे भी जा रहे ने, अपने प्रेमियां नू समझा भी रहे ने, तुसी घबरावो ना, कहे कबीर गुलाम कर का। एक होंदा नौकर एक होंदा गुलाम। गुलाम होंदा खरीदिया होया, ते नौकर नू नौकरी ते रखिया जांदा। ते कबीर सब कहंदे ने मैं परमेश्वर दा गुलाम हाँ, उदे घर दा, ओ मेरा मालक है, हुण उदी मर्जी, जी आए भावे मार, ओ जिंदा रखे भावे मार देवे, उदी मर्जी, मैनू कोई चिंता नहीं। कहे कबीर गुलाम कर का, जी आए पावे मां। मन ना डिगे तन काहे को डराए, चरण कमल चित रहे ओ समाए। मन ना डिगे तन काहे को डराए, चरण कमल चित रहे ओ समाए। शब्द पढ़ दे सिकंदर लोधी दे दरबार जा पहुंचे। अगे सिकंदर लोधी बादशाह अपने तख्त ते बैठे, दरबारे भी बैठे ने, ते निंदिया चुगली करन वाले भी खलोते। कबीर साहब ने
सिकंदर लोधी नूं सलाम नहीं कीता ते सिकंदर लोधी नूं होर गुस्सा आ गया। बादशाह कहन लगा ओए कबीर तेरा नाम है? कबीर साहब कहन लगे हां मेरा नाम कबीर है। बादशाह कहन लगा तेनू पता है मैं हिंदुस्तान दा बादशाह तू मैनू सलाम नहीं कीती सिर नहीं चुकाया मत्था नहीं टेकिया। ते कबीर साहब एक वरी सिकंदर लोधी वाल देखिया ते फिर ये शब्द उचारिया को हर समान नहीं राजा। कहन लगे को हर समान नहीं राजा उस हरि परमेश्वर दे समान दुनिया दा कोई भी बादशाह नहीं। ऐ सिकंदर लोधी तू मेरे परमेश्वर दे बराबर नहीं कि मैं तेनू सलाम करां। तू अज है कल खत्म हो जाएगा फिर तेरे तू क्यों डरा। मैं ते ओनू सलाम करना जिन्हें दुनिया बनाई जिन्हें तेनू पैदा किया। को हर समान नहीं राजा एह भूपत सब दिवस चार के झूठे करत दिवाजा। बादशाह नूं गुस्सा आ गया कहन लगा मैं बादशाह ए मामूली जिहा संत मैनू सलाम नहीं करदा। हुक्म दे दिता इहदे हथ पैर बन्नो गंगा विच डोब के इहनू मार दे। कबीर साहब नूं फड़िया लोहे दीआं जंजीरां नाल हथ पैर बन्न के एक बेड़ी विच पा लिया ते गंगा नदी दे अध विशकार लै गए जिथे पानी बहुत डूंघा है। एक वड्डा सारा पत्थर कबीर साहब दे पेट नाल बन दिता ते कबीर साहब नूं हुण पानी विच सुट्टन लगे ने। उस वक्त यह शब्द कबीर साहब ने उत्थे उचारिया जिहड़ा आप जी सरवण करदे पए। गंग गुसाइन गहर गंभीर जंजीर बांध कर खरे कबीर। जंजीर बांध कर खरे कबीर कि मैनू जंजीरां नाल बन के गंगा नदी विच डोबण लई लै गए ने। गंग गुसाइन गहर गंभीर जंजीर बांध कर खरे कबीर। मन ना डिगे तन काहे को डराए। मन ना डिगे तन काहे को डराए। जे मन नहीं डरदा ते शरीर नूं डराण दी की लोड़। कई बारी आपां कह दिंदे आ तेरा शरीर ते हाथी वर्गा है पर मन तेरा चिड़ी जिन्ना। इन्ना डरपोक है तू अपनी देह वल देख। ते कई बारी आपां देखदे आ शरीर बहुत माड़ा हुंदा है लेकिन मन बड़ा मजबूत है वो डरदा नहीं। ते जिहड़े महापुरुष ने संत ने उन्हां दा मन बाणी नाल जुड़िया है नाम दे नाल इस करके वो दुनिया तो डरदे नहीं। ते कबीर साहब कहिंदे ने मेरा मन नहीं डरदा तन के है शरीर नूं। शरीर नूं क्यों डरावां जे मन नहीं डरदा। मन ना डिगे तन काहे को डराए।
चरण कमल चित रहो समा। हुण मन क्यों नहीं डरदा? क्योंकि मन गुरु के चरणा नाल लगा हुआ। असी लोग थोड़े थोड़े दुखां तो घबरा जाने क्योंकि मन कमजोर ने, ते जेड़े भगत ने महापुरश ने वो किड़ी भी औकड़ आवे कदी घबराते नहीं क्योंकि उन्हां दे मन मजबूत ने। ते मन जिदा गुरु नाल जुड़ गया वो दुनिया तो कदी दुखां तो कदी डरदा नहीं। आपा जिन्ने बैठे हैं अपने अपने मना विच चाती मारिए कि थोड़े जे दुख तो असी घबराते नहीं। घरां विच कलेश नहीं साढ़े, माड़ी माड़ी गल तो दुखी भी हो जाने हैं ते क्रोधी भी हो जाने क्योंकि मन कमजोर ने। मन बाणी नाल नहीं जुड़े, ते जिन्हां दे मन गुरु नाल जुड़ जाए उन्हां दे घरां विच ना कलेश हुंदा है ते ना दुख हुंदा है ते ना वो कदी डरदे। मन ना डिगे तन काहे को डराए, चरण कमल चित रहो समाए। हुण सिपाहियां ने कबीर साहब नूं चुकिया ते नदी दे विच सुट दिता। आप वापस मुड़ पे। जदों भी आदमी डुबदा है एक वारी थल्ले जाके पानी दे उत्ते जरूर आंदा। हुण कबीर साहब ने जदों पानी विच सुटिया एक वारी कबीर साहब डूंघाई विच चले गए ते जदों दोबारा पानी दे उत्ते आए तां की होया? कबीर साहब ने आप बाणी विच लिखे, गंगा की लहर मेरी टूटी जंजीर, मृग छाला पर बैठे कबीर। गंगा की लहर मेरी टूटी जंजीर, कहो जी गंगा दी लहर आई कि लोई दी जंजीर अपने आप टूट गई। मृग छाला हिरण दी खल ए पानी ते विछी है, ते कबीर साहब जी कहंदे ने असी उते चौंकड़ा मार के इस तरह बैठ गए जिवें आपां सुकी धरती ते बैठ गए। गंगा की लहर मेरी टूटी जंजीर, मृग छाला पर बैठे कबीर। एक कथा तां सुना रहे हैं, अगर कदी ये शब्द सुनो ते जदों शब्द सुनोगे इन्हां शब्दां दी कथा दा पता होवेगा ते मन जिहड़ा है फिर जुड़ जाएगा। ये सारा नक्शा अखां दे अगे आ जाएगा, फिर एक बाणी सुनन दा होर ही आनंद होवेगा। कहे कबीर को संग ना साथ, जल थल राखण है रघुनाथ। कबीर साहब कहंदे ने कहे कबीर को संग ना साथ, जिथे कोई रखिया करन वाला नहीं उथे परमेश्वर रखिया करदा। वो बादशाह दे सिपाही हाले वापस नहीं पहुंचे कि कबीर साहब पहला घर पहुंच गए, ते कबीर साहब दे प्रेमी जय जयकार करन लग पे कि कबीर दी रखिया उस परमेश्वर ने कीती। बादशाह नूं पता लगा ते उन्हें फिर सिपाही भेजे, कबीर नूं फड़ के लियाओ, इहनूं जिउंदा नहीं छड़ना। मन ना डिगे तन काहे को डराए, चरण कमल चित रहो समाए। मन ना डिगे तन काहे को डराए, चरण कमल चित रहो समाए।
कबीर साहब नू फिर फड़िया। बादशाह ने कहा ये कोई जादूगर लगता जड़ा पानी विच डुबिया नहीं, इनू अग विच साड़ के मार दे। लकड़ां दा एक ढेर कट्ठा किया, कबीर साहब नू ढेर दे उत्ते बिठा दिता। चार चफेरे नंगियां तलवारां दा पहरा के कबीर किधरे भज ना जावे। ते कबीर साहब दे प्यारे रोण लग पए, कहन लगे कबीर साहब जे कहो ते बादशाह नू बेनती करिए तुहानू छड़ दे। ता कबीर साहब ने उस वक्त ये शब्द उचार के उन्हां नू समझाया। आपे पावक आपे पवना जारे खसम ताराखे कवना। आपे पावक, पावक कहिंदे ने अग नू, पवना हवा नू। ओ परमेश्वर आपे ही अग है आपे ही हवा। जारे खसम ताराखे कवना, खसम कहिंदे ने मालक। अगर मालक ही मारे ते कौन बचा सकता है, जे मालक ने रखना है ता फिर कोई मार नहीं सकता। आपे पावक आपे पवना जारे खसम ता राखे कवना। राम जपत तन जर की ना जाए, राम जपत तन जर की ना जाए। नाम जपदे हैं जे शरीर सड़ भी जावे ता मैनू कोई परवाह नहीं, क्यों के राम नाम दे नाल मेरा मन मेरा चित लगा होया। राम जपत तन जर की ना जाए, राम नाम चित रयो समाए। काम को जरे काए होए हाल, नटवट खेले सारंग पाम। कहे कबीर अखर दोए पाक। कबीर साहब कहन लगे सुनो, मैं दो अखर फड़े ने रारा ते मम्मा राम। एक गल कह दिया ए राम अकाल पुरख नु के परमेश्वर। कबीर साहब कहन लगे मैं दो अखर फड़े ने रारा ते मम्मा राम, ते अपना आप उन्हों पेट कर दिता। दुनिया कहती है कि परमेश्वर है, जे वह हैगा ते आपे रखिया कर लवेगा, मैं क्यों चिंता करा मैं क्यों दुखी हो। कहे कबीर अखर दोए पाख, होएगा खसम ता लेगा रा। मन ना डिगे तन काहे को डराए, चरण कमल चित रहो समाए। मन ना डिगे तन काहे को डराए, चरण कमल चित रहो समाए। कबीर साहब दे उत्ते भी लकड़ां चिणियां अग ला दित्ती। सारा दिन लकड़ां दा ढेर बलदा रहा और शाम तक एक सवा दी ढेरी रह गई। कबीर साहब दे प्रेमी और रो के थक चुके ने, पानी दी मशकां लिया के सवा ठंडी कीती,
हुक्म कीता सुआह फोलो ते कबीर दियां हड्डियां लभ लो। सुआह फोली हैरान हो गए, कबीर साहब थले चौंकड़ा मार के बैठे ने ते मथा अगे नालों भी दूना पिया चमकद है, आखो सतनाम श्री वाहे। क्यों जाम गुरु होए वाल तने क्या गर्ब दीजे, जाम गुरु होए वाल लख बाही क्या कीजे, जिदे वाल गुरु होवे ओदा कोई कुछ नहीं बगाड़ सकता। पर इन लोकां हाले भी समझ नहीं आई कि कबीर सच्चा है। इस गल की गवाही गुरबाणी देंदी है, कबीर साहब ने फिर फड़ लिया रस्सियां दे नाल, हाथ पैर बन के मस्त हाथी दे अगे कबीर साहब नू सुट दिता। कबीर साहब हाथी दे अगे सुटे हुए नहीं, हाथी खलोता है और हाथी दे उत्ते मुहावत बैठा है जड़ा हाथी नू लोहे दे कुंडे मार के तोड़दा। एक काजी खलोता है जेदे हाथ विच माला फड़ी है, वो मुहावत नू कह रहा है, हाथ विच माला भी है ते हुकम की दे रहा है हाथी नू तोर। ए हाथी अपने पैरां थले कबीर नू लताड़ के ते खत्म कर देवे, आखो सतनाम श्री वाहे। उस वेले दा नजारा गुरबाणी विच कबीर साहब ने आप बयान किया। पूजा बांध पिला कर डारियो, पूजा बावानो के पिला, कबीर साहब ने अपने आप नु के कि मेरिया बावां बन के गोल मोल एक टेम जी बना के मैनू हाथी दे अगे सुट दिता। पूजा बांध पिला कर डारियो, हस्ती क्रोप मूंड में मारियो। हस्ती क्रोप, हस्ती के हाथी, क्रोप गुस्सा, मूंड सिर नू के मुहावत ने गुस्से विच आके हाथी दे सिर ते कुंडा मारिया अगे हो ते कबीर नू पैरां थले लताड़ दे। पर इत्थे कौतुक कुछ होर वरत गया, हस्त ना तुरे तरे ध्यान, वांघेरे दे बसे भगवान। हस्त हाथी नू के हाथी कुंडे खा रहे है पर अगे नहीं तुरदा। क्यों हाथी विच भी ते भगवान वसदा, ये हुण परमेश्वर दी मर्जी है। हाथी नू सोझी दे दीती पर उन्हां लोकां नू सोझी नहीं दी। हाथी विच भी भगवान ओदी जोत ते कबीर विच भी ओदी जोत। हुण ओ जोत कबीर नू किवें लताड़े, आखो सतनाम श्री। ते जिहड़ा काजी है ओ गुस्से विच आ गया, काजी गुस्से विच आ के मुहावत नू की कहिंदा, रे मुहावत तुझ डारों काट, इसे तुरावो कालो साठ। ए मुहावत मैं तेनू कट देंगा जे कबीर ना मरिया, सट मार हाथी नू ए तुर के कबीर नू खत्म करे। पर होया कि कुंचर पोट ले नमस्कार है, कुंचर भी हाथी नू के हाथी की कर दे, अगले दोनों पैर नवा के ते कबीर साहब नू नमस्कार करन लग पया, आखो सतनाम श्री वाहे। पोट कबीर साहब ने अपने आप नू के कि ओ कुंचर ओ हाथी सानू नमस्कार करन लग पया। कुंचर पोट ले नमस्कार है,
बूझी नहीं काजी अंधेर है अन्ने काजे नो हाल भी समझ ना आए। इन्ने कुंडे मारे हाथी दा मथा लौलवान हो गया पर कबीर साहब कहंदे ने ओ हाथी चीका मारदा है अपनी बोली विच उन्हां लोकां नूं इक सवाल करदा है ओदी बोली कबीर साहब ने समझी ते गुरबाणी विच बयान कीता क्या पुराद संत है कीना बांध पोट कुंचर को दीना। मानो हाथी कह रहे हैं क्या अपराध संत है कीना इस संत दा इस कबीर दा अपराध की है जो तुसी बन के इन मेरे अगे सुट दिता है। इदा एहो ही अपराध है ए नाम जपदा है ते नाम जपांदा है। आखिर हाथी सिपाहियां नूं लताड़दा होया जंगल वल भज गया। हुण पता लगा कि जिसनूं असी जादूगर पखंडी कहने आ इह ते सचमुच परमेश्वर दा रूप है। हुण सिकंदर लोधी है हिंदुस्तान दा बादशाह पर नंगे पैर कबीर साहब दे कोल चल के आया आके मत्था टेकिया। एक बादशाह एक फकीर दे चरना ते मत्था टेकदा ते हाथ जोड़ के उपदेश मंगिया ता कबीर साहब ने फिर ए उपदेश कीता अंधकार सुख कभे ना सोई है राजा रंक दो मिल रोई है। अज्ञान दे अंधेरे विच चाहे राजा है चाहे कंगाल वो सुख दी नींदर नहीं सौ सकता जो पै रसना राम ना कहबो उपजत बिनसत रोवत रहबो। जड़ा अपनी जीव दे नाल नाम नहीं जपेगा वो जमदा रहेगा ते वार वार मरदा रहेगा। ओ बादशाह कबीर साहब दे चरणा ते मत्था टेकिया अपने फुलां दी खिमा मंगी ते कबीर दी जय जयकार होई। आपां वी सारे महापुरशां दी याद विच इत्थे आ के जुड़े हैं अते महापुरश जिन्हां दा काम है जपना ते जपाना मुश्किलां किन्नियां वी आन उन्हां नूं चिंता नहीं हुंदी क्योंकि उन्हां दी रखिया गुरु आप करदा है। जिस तरह कबीर दी रखिया कीती सदियां बीत गईयां पर कबीर साहब नूं आपां रोज मत्था टेकदे हां जदों गुरु ग्रंथ साहब नूं मत्था टेकदे हां ते जिहड़े वी गुरु दे हो जान ओह कदी मरदे नहीं ओह हमेशा जिउंदे रहिंदे ने ते इसे तरह उन्हां दी याद विच ये दीवान लगते हैं। तो महंत तारा सिंह जी जिन्हां ते गुरु की बड़ी बख्शिश है उन्हां दे सेवक अपना सारा जीवन जे सेवापंथी कहलाए ते सेवा विच ही गुजारिया और गुजार रहे ने और सानू उपदेश है कि भाई ही जे सेवापंथी महापुरशां वल्लों इस समागम विच आए हो ता एक गल जरूर पल्ले बन के जाओ कि आपां भी सेवा करनी पहला सेवा फिर सिमरन क्योंकि जिहड़ी कल्ली सेवा है तां भी गल नहीं बनती कल्ला सिमरन होवे तां भी गल नहीं बनती सेवा सिमरन ये जरूरी नहीं फिर जितना हो सके किरत करके वंड के छकना ये गुरु का उपदेश है। तो समा 10-15 मिनट ज्यादा ही हो गया है जितना बख्शिया सी उस तो आओ आखिरी पंक्ति सारे पढ़ो फिर शाम नूं दर्शन करांगे। मन ना डिगे तन काहे को डराए आओ बाणी दे नाल मन जोड़िए
ताकि मन जिहड़ा है विकारां तों परमा वहमां तों उत्ते हो जावे, ताकि कल कलेश तों साडा मन कदी घबरावे ना, इन्हां कल कलेशां तों मन साडा उत्ते रवे। और अमृत वेले 8 तों लै के 9 बजे तक दासां ने हाजरी भरनी कल सवेरे, और रात का समा जो भी प्रबंधक बख्शणगे, क्योंकि उस तो बाद फिर अगे जाना है। ये महंत जी का प्यार है कि जेडे हुक्म करके आप संगतां दे दर्शन करवाते हैं। आओ आखिरी पंक्ति सारी रसना पवित्र करो, नाले अरदास करिए कि सच्चे पातशाह साडे मन ऐसे कर कि साडे मन कदी डोलण ना, तेरे नाल जुड़े रहें। मन ना डिगे तन काहे को डराए, चरण कमल चित रहो समाए। मन ना डिगे तन काहे को डराए, चरण कमल चित रहो समाए। कबीर को संग न साथ, जल थल राखण है रघुनाथ। मन ना डिगे तन काहे को डराए, चरण चित रहो समाए, चित रहो समाए। सच्चे पातशाह जिन्हां गुरमुखां प्यारे हैं शब्द भेट मैं अरदास कराई है, तिन्हां दे नाम तू आप जाणू हो। सर्वत्र नामदान बख्शना, जिथे दास महंत जी दे धनवादी हैं उत्थे नाल आप सारियां संगतां दे भी, क्योंकि बहना बड़ा औखा है। और जिन्हां दे पाग चंगे होण उन्हां नूं संगत मिलदी है। आप संगतां दा भी धन्नवाद है कि जिहड़े अमृत वेले ते बैठे हो इस वेले तक। सच्चा पातशाह कृपा करे सारिआं दे परिवारां विच सुख शांति, सच्चा पातशाह वरतावे दुखां कलेशां दा नाश करन और अपने चरणां दी प्रीत बख्शन। आओ हुण समाप्ति करिए, इक पासे सेवक इक पासे सारी संगत।